बचपन में ना मेरे सारे दोस्त डोरीमोन देखे करते, पर तेरे भाई ने कदे भी नहीं देखा, कदे इंटरेस्ट ही ना आया। और आज देख लो, हर टीवी पे निंजा तोड़ी चला है, डिंग 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 डिंग। तब मुझे समझ आया ये सारा साला गेम ना इंटरेस्ट का है, जो कि मुझे तेरी स्टोरी में आया, इसलिए तो तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। हाँ दिखाऊं, सरप्राइज। ले भाई कर दे, पर इसका सिस्टम हैंग है। ये है मेरा आज, लेकिन मेरा कल इससे कोसों दूर था। आया तो था मैं यहाँ कुछ सपने लेकर, लेकिन वो सपने ऐसी मौत मरेंगे ये मैंने सोचा नहीं था। कहाँ रहेगी यार, अब तक आई क्यों ना? इतनी गर्मी में कैसे कैसे उठपटांग काम करने पड़ रहे तेरे चक्कर में। अगर आज कोई भी गड़बड़ होगी ना कालू, तो तेरी डाटी मार लगा दूंगा। अरे यार दीपक, तू टेंशन क्यों ले रहा है? यो काम तो तेरे भाई के बाएं हाथ का खेल है। इसकी जगह अगर तीन चार लोंडे भी होते ना, तो भी मैं खेलना ही निपट लेता। यो तो फिर भी एक लोंडिया है। पर तू यो सब करेगा कैसे? करना ही क्या भाई, देख सबसे पहले मैं जाके उसे स्कूटरी रोकने का इशारा करूंगा, फिर वो ब्रेक लगाएगी। जैसी वो ब्रेक लगाएगी, तेरा भाई अपना हाथ उसके सामने कर देगा, फिर वो अपनी सारी धन दौलत मेरे हाथ में रख के पार, फिर तू और मैं दोनों भाई यहाँ से फरार। कैसा लगा मेरा प्लान? मस्त प्लान है, स्कूटरी भी आ गई। रे कालू कर दे चढ़ाई। अब देखो अपने भाई को जलवा। मेरे भाई तू ठीक तो है? इसकी वाड़ को मार दिया है। भाई तू ठीक तो है? तेरा चोट तो ना लगी? भाई खेलवाड़ी साइकिल तोड़ रही थी भाई, मेरी छाती में लात मारी, मेरी हड्डी तोड़ दी, मेरी हड्डी दुख रही है। कोई बात ना भाई, अब ये तो चली गई, कल देख लेंगे इसे। ना भाई कल तक का टाइम ना मेरे पास, मैंने आज शाम नहीं पैसा देने हैं। अगर आज पैसा ना दिया मेरे घर तक बात पहुंच जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा भाई। तो तेरे से किसने कही थी तू इस अटोरियो के चक्कर में पड़? ना तू सट्टा खेलता, ना तेरे पे कर्जा होता, और ना हमें ये सब कुछ करना पड़ता। भाई लास्ट टाइम मेरी हेल्प कर दे, आज के बाद कभी सट्टा नहीं खेलूंगा मैं। तूने पिछली बार भी यही कहा था, पर तुम सटोरियो पे विश्वास करना ही ना चाहिए। मैं ना पड़ रहा इस चक्कर में भाई, अब बहुत खतरनाक आदमी है भाई, लास्ट टाइम हेल्प कर दे भाई। यार एक तो इस मेहरा की औलाद ने दिमाग खराब कर रखा है, सुबह से 50 कॉल मिला चुका हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा साला झंडू। तो उससे बात करे बिना तेरा दिन नहीं निकल लगा मेरी जान, आजकल मिजाज बदले हुए हैं तेरे। एक तो तू बकवास कम कर, तुझे पता है कल के मैच में 50 पीटी डाउन है, मुझे हिसाब भी देना है, पर फोन तो उठाए साला। ले अब फोन स्विच ऑफ करके बैठ गया। अबे पैसे की बात है तो फोन क्यों उठवाना, सीधा बंदा उठाना, क्या बच्चों की तरह फोन करे जा रहा उसे बार बार। इसके बाप को फोन मिला था। कल से इसका फोन ट्राई कर रहा हूँ। कहाँ है ये लड़का? कहाँ है विनोद? हेलो। हाँ भाई मेहरा साहब। हाँ आजकल बहुत शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। कौन बात कर रहा है? मनहूसियत बोल रही तेरी साले, और तेरी वो झंडू औलाद, उसने कल सट्टा खेला मेरे साथ, मेरी बुक पे पूरे 50 पेटी डाउन है। आपने शायद गलत जगह पे फोन मिला दिया है, मैं आपको नहीं जानता, आप अपना भी और मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो। अबे ओ मेहरा तुझे पता भी तू किसके आदमी से बात कर रहा है? अरे कोई काम धंधा कर लो, ऐसे फोन करने से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि पैसे प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे सामने। अरे तू पागल हो गया क्या? तेरे तो भाई फोन काट दिया। अब तूने इतना कुछ बोल ही दिया है तो दिखा दे चमत्कार। अरे गुप्ता जी अपनी कंपनी का शो तो होना ही चाहिए, तभी तो शेयर मार्केट में मजा आएगा।
गुप्ता जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा इतना चमत्कार बहुत है या और दिखाऊं? ये गोलियां जो तेरी दीवारों पे चली हैं, ये तेरे बेटे या फिर तेरे पोते पे भी चल सकती थी, जिसकी अभी स्कूल से छुट्टी होने वाली है। क्या? भीख नहीं मांग रहा तुझसे, जुए में आ रहा है तेरा लड़का। 1 करोड़ रुपए निकाल, वरना पूरे खानदान में कोई रोने के लिए नहीं बचेगा। अरे आप तो 50 लाख बोले थे। ये तो 50 लाख ही, पर मेरे आदमी लोग तेरे पास पहुंचे हैं तो उनका खर्चा पानी भी तो देना पड़ेगा। चुपचाप 1 खोखा ढीला कर, और हाँ, उसके बाद पुलिस के पास जरूर जाइयो और बता दियो कि बाबा का फोन आया था। वो क्या है ना, प्रशासन में अपना दबदबा बना रहना चाहिए, बेफालतू में ईगो हर्ट कर दी। अबे खाने में क्या बनाए? खाना तो तब बनेगा ना जब घर पर कुछ होगा तो। आलू प्याज टमाटर सब कुछ खत्म है, कल से बोल रखा है कि राशन ले आ, पर आवारा गर्दी करने से फुर्सत मिले तब ना। ऊपर से ये भिखारी जैसा दोस्त पाल रखा है, सारा दिन पड़े पड़े यहीं खाता रहता है। राम का खाने की आदत हो गई है इसको, निकम्मा कहीं का। देख भाई, बस कर पागल, रुलाएगा क्या? आंटी को अपनी माँ से भी ज्यादा बढ़कर मानता हूँ मैं, उनकी बात का बुरा थोड़ी मानूंगा। अरे बुरा मान भाई उनकी बात का, वो ठीक बोल रही है, और तुझे तो ज्यादा बुरा मानना चाहिए, सट्टे में जो हार के बैठा है। मैं तुझे अब भी बोल रही हूँ, गुड़गांव शहर चला जा बड़े भाई के पास, जाकर वहाँ नौकरी करेगा, 2 पैसे कमाएगा, कम से कम घर का कर्जा तो उतरेगा। माँ यार तू फिर शुरू हो गई, मुझे नहीं खाना अब कुछ भी, दिमाग खराब कर देती है हमेशा। बेटा बात तो सुन मेरी। भाई सुन तो, तू ही तो एक मेरा दोस्त है, अगर तू मेरी हेल्प ना करेगा तो कौन करेगा? बस एक बार मेरी बात सुन ले तू। क्या है, यो क्यों फोन कर रही है? हेलो हेलो दीपक, कहाँ है तू और आज मुझसे मिलने क्यों ना आया? वो माँ ने कुछ काम बता दिया था तो वही। ये सब छोड़, तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मेरे ऊपर ना कुछ मुस्तंडों ने हमला कर दिया था। क्या? बड़ी मुश्किल से बची हूँ मैं। किसने करा, शक्ल याद है? हाँ हाँ, वो सब मैं तुझे मिलके बताऊंगी। थैंक गॉड आज मैं बच गई। अच्छा एक काम कर, तू ट्यूबवेल पे आ जा, मैं वही मिलने आ रही हूँ तुझसे। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ मिलने। ओ भाई, मैं दुनिया का पहला ऐसा आशिक होऊंगा जो अपनी ही सेटिंग को लुटवाने जा रहा था सिर्फ इसलिए कि मैं अपने दोस्त का कर्जा उतरवा सकूं जो वो सट्टे में हारा है। भाई अगर उसने तेरी शक्ल पहचान ली हुई तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा यार दुनिया को। भाई वो मुझे ना पहचान सके, मैंने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, तुझे विश्वास ना हो रहा तो चल मैं तेरी गैली चल रहा हूँ, चला जा चल। देख काड़ू, अगर गलती से भी ज्योति ने तुझे पहचान लिया ना तो भाई उसके सामने ही मैं तेरे 4-5 झापड़ मारूंगा और 10-12 गंदी गंदी गाली बकूंगा, पर तू उन चीजों को बुरा मत मानियो यार। देख तुझे तो पता ही है, लड़की के चक्कर में इतना तो करना ही पड़ता है। हाँ भाई मैं समझ गया, लेकिन अगर उसने मुझे पहचाना ना तो प्लीज सांस तक मेरे पैसों का जुगाड़ करवा दियो। उसकी चिंता मत कर, वो हो जाएगा ठीक है। अरे ज्योति क्या हो गया आज, किससे लड़ाई हो गई? अरे लड़ाई नहीं हुई, आज तो मैं मरती मरती बच गई। थैंक गॉड तू आ गया, एक लड़के ने ना मेरे ऊपर हमला कर दिया, आज तो मैं सुबह से परेशान हो गई हूँ। तुझे कुछ शक्ल वकल कुछ याद है उसकी की कैसा सा था? हाँ हाँ शक्ल याद है मुझे, उसने ना। अरे क्या हो गया, तू इसको क्यों मार रहा है? कुछ नहीं, वो मेरे पैर पे चढ़ गया था ये बेवकूफ। तुझे शक्ल याद है उसकी? शक्ल कहाँ याद है, उसने कपड़ा लगाया था मुंह पे, पर हाँ उसने ना काले रंग का लोवर पहना था और काले और लाल कलर की टी शर्ट पहनी थी बिल्कुल इसकी तरह, पर ना उसने गमछा मुंह पे लपेटा हुआ था और इसने गले में डाला है। हाँ तो फिर सेम कैसे हुआ, अलग हुआ ना, उसका मुंह पे था इसका गले में, इतना तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं और ये तो मेरा दोस्त है। हाँ तू सही बोल रहा है, ये क्यों मेरे ऊपर हमला करेगा वैसे भी। तू ये सब छोड़ ना, मैं क्या कह रहा था कि हमें ना तेरे से थोड़ी सी मदद चाहिए थी, तू कर देगी क्या? हाँ हाँ तेरी मदद नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी, तुझसे इतना प्यार जो करती हूँ, बता क्या चाहिए? वो इसे ना थोड़ा पैसों की जरूरत थी, कुछ घर पे बहुत जरूरी काम आ गया तो 3500 रुपए चाहिए, तू उधार दे सकती है क्या? हाँ हाँ तू बोले और मैं ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, दे दूंगी मैं इसे पैसे 3% के ब्याज पे। 3% पैसा मिल रहे ना अभी,
तो अपना कर्जा उतार ले। ठीक है ठीक है, जा तू, अब तेरा काम हो गया। अच्छा सुन, मैं क्या कह रही थी, तेरी और मेरी फोटो डाल दूँ सोशल मीडिया पे, दीपक की ज्योति, ज्योति का दीपक लिख के। तू पागल है क्या, मुझे शर्म आवे। अरे सुनना, अरे सुनना, तू इतना शर्माता क्यों है दीपक? मेरी सारी सहेलियों की सेटिंग हुई पड़ी है और मैं तो तुझसे इतना सच्चा वाला प्यार करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों दूर दूर भागता रहता है। यार मेरे को प्यार व्यार पे ना विश्वास ना होवे, अगर तू कभी मेरे को धोखा देके चली गई तो। तू कैसी बात कर रहा है दीपक, मैं तुझे धोखा क्यों दूंगी, मैं तुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी कसम खा के बोलती हूँ, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगी। अब तू भी खा खाना। भाई तेरी इतनी हिम्मत मेरी भांड के साथ? भैया मेरी बात तो, मुंह बंद कर ले, एक बार ना सोचा मारी इज्जत मिट्टी मिला दे, पहले मारो रहने। अपनी औलाद ने संभाल ले, तेरा आदमी तो पहले ही मर गया, या औलाद भी चली गई तो किसके सहारे जीवेगी? पर इसने किया क्या है, इसकी गलती क्या है? इसने अपनी औकात भूलने की गलती करी है, मेरी भांड ने अपनी बात तक जाने बता रहा था। यारे जल्दी सरक गया, यहाँ पता जितने परेशान करे था ना, बोल। हाँ। सुन लिया? और तू निकल यहाँ से, चल। सुन लिया रे तने? पर इसमें गलती थारी ना, गलती तो मारी है, हमें तो इस गांव में रखना ही ना चाहिए था, बढ़िया रहता, बुड्ढे के साथ तुम्हें भी जला देते, तो जो दिन ही ना देखना पड़ता। वो तो बड़ा भाई जेल में है, ना तो आज ही तुमने जान तो मार देता। अरे समझा लिया अपने इस लाडले बेटे थे, अगली बार मेरी भांड का आस पास ही दिखा जिंदे ने फूक देंगे, दो पैसे की औकात ना है और भारी भांड से बात करेंगे। चलो रे बेटा, रोटी खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है माँ, तू खा ले। तुझे भूख नहीं है तो मैं भी नहीं खाऊंगी। दादा के साथ क्या हुआ था माँ, मुझे सच सुनना है। तेरा दादा एक अच्छा आदमी था, जब तू छोटा था तब पता नहीं तेरे दादा को जुए की लत कैसे पड़ गई और इस लत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस पे इतना कर्जा हो गया और पैसा ना चुकाने की वजह से गांव वालों ने हमारे घर में आग लगा दी और उस आग में तेरे दादाजी और तेरा छोटा भाई दोनों की मौत हो गई। उसके बाद तेरे पिताजी भी कर्जा उतारते उतारते चल बसे। अभी तक भी तेरा बड़ा भाई हर महीने शहर से पैसे भेजता है ताकि हम हमारा कर्जा उतार सके। तूने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? तुझे बताती तो क्या हो जाता, क्या कर लेता तू? छोड़ ये सारी बातें, चल तू आ रोटी खा ले। मैं शहर जा रहा हूँ माँ, एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि पैसा ही सब कुछ है। इतना पैसा कमाऊंगा माँ कि दुनिया में कोई भी तेरे से ऊंची आवाज में बात ना कर सके। जा रहा हूँ मैं जिला गुड़गांव। Thank you.
अरे भैया आप तो मुझे लेने रेलवे स्टेशन आने वाले थे, मैं पैदल पैदल पता नहीं ये कहाँ तक आ गया हूँ, कहाँ रह गए आप? अरे आ गया छोटे, बस बाइक खराब हो गई थी। भैया थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख के मेरा जी घबरा रहा है। दीपक, दीपक, कालू, कालू तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई तू बेशक मुझे मार ले, मुझे गालियां बकले, पर मुझे तेरे साथ ही रहना है, मैं तेरे बिना गांव में करता क्या, इसलिए चुपचाप मैं तेरे वाली रेल में ही चढ़गा। अरे लेकिन तू यहाँ करेगा क्या? भाई मैं रोड पे सो जाऊंगा, भूखा रह लूंगा, पर मुझे अपने से अलग मत कर, तुझे तो पता ही है तू सिर्फ दोस्त नहीं है मेरा, मेरा तो परिवार भी तू ही है। अच्छा चल ठीक है, देखा जाएगा, आ जा। अरे डट जाना दो मिनट। अरे बुलेट खराब हो गई है, मैंने कोई सोकना है आजकल तसल्ली ना लोगों के।